हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अतरंगी सबीना। आज फिर नए ब्लॉग के साथ ये गाड़ी जो देख रहे हैं ना आप, देखिए यहाँ है सीमू और पापा, ये दोनों कुछ कर रहे हैं। तो वो जो गाड़ी आपने देखी थी उसमें अब हम जाने वाले हैं जोरहाट। ये बस इन लोगों के हंसी मजाक चल रहा है। फिर ये देखिए हम दोनों जा रहे हैं। इसके सिमरन के पाँव में चोट लग गई थी जब वो भोपाल में थी, फिलहाल वो भोपाल मध्य प्रदेश में उसकी पोस्टिंग है। तो पाँव में चोट लगी थी और जब से वो ईद में घर आई, ईद के ब्लॉग में भी आपने देखा बेड में थी, कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी। बस ये इसी दिन ये निकली थी, थोड़ा आराम था तो सोचा क्यों ना, क्योंकि उसको बंगाली खाना खाना था। तो शी इज़ ए बिग फैन ऑफ बंगाली डेलिकेसी। तो जोरहाट में एक रेस्टोरेंट है तो हम वहीं जा रहे हैं, छोटी मोटी शॉपिंग भी करनी थी। तो यहाँ फूड ब्लॉग ही है ये कम्प्लीट, और यहाँ हम बैठ रहे हैं। थार हमारे पापा के फ्रेंड की है तो थार की राइड भी हमने सोचा जब थार में जा रहे थे क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। और ये जो कैमरा जो भी रिकॉर्ड कर रहा है वो है मेरा छोटा भाई सोनू, जिससे आप आगे ब्लॉग में मिलेंगे। और फिर यहाँ हम सब कुछ बैठ चुके हैं और ये मरियानी का मेन टाउन है, दुकान के आगे गाड़ी थी, हमने यहाँ बैठ चुके हैं और अब हम जोरहाट जाने के लिए तैयार है। तो अभी हमारे साथ इस सफ़र में आप बने रहना, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। और देखते चलिए क्या होता है आगे। तो आगे हमने बहुत मस्ती की है तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए। ये देखिए हम बहुत आगे तक आ भी चुके हैं, काफ़ी मतलब एक्चुअली पूरा ही वीडियो शूट किया था पर काफ़ी क्लिप्स मैंने काटे क्योंकि कहीं आप लोग बोर ना हो जाए इसी चक्कर में। चलिए आगे तो एंजॉय कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब जैसा कि आपने देखा हम घर से निकल चुके हैं और हम आए जोरहाट अभिरुचि। वो देखिए पीछे अभिरुचि का बोर्ड, यहाँ हम लंच करेंगे। और सीमू की हालत बहुत खराब है तो वो ब्लॉग में बहुत कम कम आएगी, है ना, पर मेरा भाई आएगा। यस तो सोनू आए बोलते, ये सोनू है छोटा भाई। हम पहुंच चुके हैं, अंदर जा रहे हैं। कमला को और यहाँ की जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा खाना आ चुका है, बहुत ही यमी और डिलीशियस खाना था।
तो ये हम लोगों ने थाली ऑर्डर करी थी जिसमें ये अलग अलग वैरायटीज़, मतलब ये कंप्लीट प्लेटर आता है, जैसे प्लेट में आपको दिख रहा है राइस वगैरह और साथ में अलग अलग सब्जियाँ की वैरायटीज़ है। यहाँ ये भैया सर्व कर रहे हैं हमें, एंड इसके बाद मैं डिटेलिंग में भी आपको दिखाने वाली हूँ अभी, आप कहाँ कहाँ क्या क्या था अभी बताती हूँ मैं आपको, एक मिनट आप देख लीजिए। और ये इसके बाद तो जैसा कि आपको पता है खाना आते क्या करते हैं लोग, खाने के पहले फोटो सेशन ज़रूरी होता है, तो यही बस हम लोग उसको अच्छी तरह से प्लेस कर रहे थे, स्पेशली सिमरन उसको है कि पिक्चर क्लिक करना है खाने के पहले, तो वही खाने के पहले हमें पिक्चर क्लिक करना था, इसीलिए मैं तो आराम कर रही थी और वो सोच रही कि कहाँ क्या करना है वही। और फिर ये देखिए ऑलमोस्ट अरेंजमेंट्स हो चुकी है, ये प्लेट साइड में गई और हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे प्लेट में क्या क्या था, तो ध्यान से देखिए और सुनिए और आप भी मज़ा लीजिए। ये प्लेन राइस है, पापड़ है, ये पम्पकिन फ्राई है, साथ में नींबू खीरा सैलेड था, उसके अलावा ये देखिए ये पुदीना की चटनी थी, और यहाँ पे मिक्स वेज है, ये परवल की सब्ज़ी, ये दाल, और ये लास्ट में टमाटर की चटनी जो स्वीट डिश होती है बंगाली में, और ये मटन कड़ी हमने ऑर्डर की थी, और उसके अलावा ये सेम प्लेटर सिमरन ने भी लिया था, और ये है धनिया फिश, धनिया पाबो माछ बोलते हैं इसको आसामीज में, बंगला में हम इसको पापदा माछ भी बोलते हैं, बहुत ही यम और टेस्टी होती है, और ये सोनू को फिश पसंद नहीं है इसलिए उसने लिया पनीर और रोटी। और फिर ये हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया, एंड आई मस्ट टेल यू आप लोगों को भी ये देख के खाने का मन हो रहा होगा, और बहुत ही यम था, बहुत ही यम, और ये देखिए खा के हमारे एक्सप्रेशन से चेंज, और ये खाने के बाद मतलब हम बता रहे हैं कितना टेस्टी था, जबकि यहाँ तो सिर्फ एक ही डिश ट्राई किया, बाकी एवरीथिंग वाज ऑसम, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, कंप्लीट बंगाली प्लेटर मतलब सब कुछ था इसमें, सब कुछ बहुत ही यम था, बहुत टेस्टी था खाया हमने, हालांकि और भी बहुत चीज़ें मिसिंग थी तब भी हमने बहुत इन्जॉय किया। ये देखिए चाट चाट के खाना मेरा भाई, तो बस यही, और अभी आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए, आपके मुंह में भी पानी आया ना इतना कुछ देखने के बाद, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। बांग्ला खाना खाए और मिष्टी दो नहीं है ऐसा तो कोई नहीं मिल सकता, तो ये पूरे प्लेटर को कंप्लीट करने के लिए एट लास्ट वी गॉट दिस मिष्टी दो, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं इसे देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना टेस्टी था, तो ये नॉर्मल जो दही है कर्ड है जिसको बंगाल में मिष्टी दो के नाम से जाना जाता है, ये खाने के अंत में लिया जाता है, तो वीडियो हम यही एंड कर रहे हैं। सोनू कैसा था खाना? खाना अच्छा था, और चैनल मटन अच्छा नहीं था। और अब हम निकल चुके हैं। Keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me. So friends,
फ्रेंड्स, अभी हम घर आ गए। हमने खूब खाना पीना खाया और छोटी मोटी चीज़ों की शॉपिंग की। शॉपिंग मतलब बहुत नेसेसरी चीज़ों की ही की, उससे ज़्यादा हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। हम गए आए और हमने गाना खूब गाने सुने, और यहाँ ज़्यादातर वॉइस ओवर आएगा क्योंकि उस रेस्टोरेंट में भी गाने बज रहे थे, तो कॉपीराइट की डर से मुझे पूरा वीडियो वॉइस ओवर करना पड़ेगा आई गेस। तो कोशिश करूँगी जहाँ कुछ दिखा सको तो दिखाऊंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। बाय बाय।